सरकारों के खिलाफ भी जिन्होंने मोदी जी के घर का पानी भरा है, उन लेखनियों का भी जिन्होंने मोदी जी के गुणगान में, झूठे गुणगान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं नहीं बोलूंगा, वो आपने आंखों से देखा, आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। आपको याद होगा जब नरेंद्र जी छोटे थे उन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों नमस्कार। सियासत में अक्सर देखा जाता है कि नेता एक दूसरे के ऊपर उपहास भरे कमेंट कसते रहते हैं। शुरुआत इसकी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि राहुल गांधी का काफ़ी भाषणों में जिक्र करके इनडायरेक्टली उनका मजाक उड़ाया था। राजनीति में इस परंपरा को, इस शैली को कभी भी राहुल गांधी ने अपने भाषणों में इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब कह लीजिए, वक्त के साथ सियासत बदलती है, सियासत के साथ शब्द और शब्दों के साथ सियासत के मतलब बदल जाते हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी की कभी मजाक उड़ाया करते थे, आज खुद प्रधानमंत्री मोदी मजाक का पात्र बन गए हैं। जी हां, अपने कुछ झूठों को लेकर, अपने विवादित गंगा स्नान को लेकर, जिस गंगा स्नान को लेकर के राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक हो गए। राहुल गांधी कुछ इस तरह से आक्रामक होते हैं, जिक्र करते हुए कि एक आदमी नहा रहा था, केवल वही हिंदू था, बाकी कोई हिंदू नहीं था, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके और नेता। तो कहानी याद आ जाती है प्रधानमंत्री मोदी के स्नान पर, एक बहुत पुरानी कहानी याद आ जाती है कि कैसे एक राजकुमारी को गंगा स्नान करना था तो सजाने के लिए झुग्गी झोंपड़ियों को जला दिया गया था। ठीक उसी तरह का कुछ कर्तव्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया वाराणसी के घाट पर, कि अपने स्नान के लिए बाकी के श्रद्धालुओं के स्नान बंद करा दिए और अकेला ही फोटो फ्रेम में वो चमकते हुए नजर आए। यहां राहुल गांधी एक दूसरी बात भी करते हैं अपने भाषण में, जो कल उन्होंने अमेठी में दिया। उसमें राहुल गांधी उपहास उड़ाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की उन झूठी कहानियों का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। जी हां, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि ये कहानियां काफी प्रचलित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में मगरमच्छ मारा था। मगरमच्छ के मारने को लेकर के उनके तैरने के कौशल पर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, किस तरह से सवाल उठाते हैं, और वहाँ की पब्लिक भी उनको बोलती है, हालांकि वो बचना चाहते हैं लेकिन बोलना पड़ता है। तो राहुल गांधी की भाषण शैली में बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लोगों की मजाक या नेताओं की मजाक उड़ाते हैं, अब कुछ इसी तरह की शैली राहुल गांधी के भाषणों की बदलने लगी है। और ये शैली, यकीन मानिए, लोगों के दिलों में जोश भर रही है, खास तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी उपहास उड़ाते हैं उसी तरह से राहुल गांधी भी उन पर व्यंग्य भरे बाण छोड़ने में पीछे ना हटें। तो अमेठी के भाषण में आज मुख्य चीज़ें यही रहीं कि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की लाइन को अभी तक नहीं छोड़ा है, गोडसे वर्सेस महात्मा गांधी का चुनाव बनाने की तैयारी है। अब देखना उनका सीधा सा संदेश ये है कि लोग सच का साथ देंगे या झूठ बोलने वालों का। और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी झूठे तो साबित हो ही चुके हैं, लेकिन ये अमेठी के मुख्य बयान का ये हिस्सा राहुल गांधी का ये जरूर सुनवाना चाहूँगा। उनका पारिवारिक रिश्ता आपको छोड़ो किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं। आप देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। सुनिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा है। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया, योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को देखना है कि एक आदमी अकेला
गंगा में स्नान कर रहा है कि हम वो आपने देखा वो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो अपने आंखों से देखा आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। आपको याद होगा जब नरेंद्र जी छोटे थे उन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी, मुझे तो लग रहा था तैरना ही नहीं आता, वो अलग बात, मुश्किल से मतलब हाथ फैला फैला के। खैर देखिए, आजकल देश में धर्म की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं, हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा, हिंदू। दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इस पर कोई भी टीका टिप्पणी की जानी चाहिए। विश्लेषण किया जा सकता है और विश्लेषण, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विश्लेषण और विश्लेषण के मायने भी कभी कभी बदलते रहते हैं, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि राहुल गांधी ने इस बार के चुनाव प्रचार में कमर कस ली है मोदी को, मोदी की ही भाषा में जवाब देने की। कुछ फोटोज़ कांग्रेस की तरफ से भी वायरल हो रही हैं जवाहरलाल नेहरू जी की गंगा नहाने की। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, जो बीजेपी आईटी सेल करे तो ये नेहरू जी से जोड़ें कि नेहरू जी ये करते थे वो करते थे, तो ये काफ़ी क्वेश्चन खड़े करेंगे। बीजेपी आईटी सेल जो चला रही है तो उसकी बराबरी कांग्रेस को करना चाहिए, मैं नहीं सोचता कि उनको कोई ज़रूरत है। वो सीधे सीधे क्या होता है कि तुलना कांग्रेस के लोग खुद ही करने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी की और नेहरू जी की, जबकि नेहरू जी की और मोदी जी की कोई तुलना कहीं से नहीं की जा सकती। मोदी की तुलना तो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति से भी नहीं की जा सकती, जिनका भाषण काफ़ी शालीन हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सियासत में गंदगी चुपटती है ना, तो वो अपनी कीचड़ के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में बदलाव कर देती है, सभ्यता में बदलाव कर देती है। जिस तरह की परिपाटी सरकार ने चली है, समाजवादी पार्टी पर अभी देखिए छापे डाले गए, उनके नेताओं पर ईडी, आईडी, सीबीआई का जिस तरह से सरकार इस्तेमाल करती है, वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक ऐसी परंपरा को जन्म दे रहा है आने वाले लोगों के लिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि बहुत मुश्किल होगी नेताओं को जो चुनाव हार जाएंगे, जो सत्ता से चले जाएंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जवाबी कार्रवाइयाँ होंगी उन पत्रकारों के खिलाफ भी जिन्होंने मोदी जी के घर का पानी भरा है, उन लेखनियों का भी जिन्होंने मोदी जी के गुणगान में, झूठे गुणगान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कैसा लगा ये विश्लेषण? अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। आज संडे, एंजॉय कीजिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। थैंक यू।